गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, संडे को मैं लेके आता हूं आप लोग के लिए जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी, जिसे आप लोग पसंद करते हैं। और आज का जो थीम है वो है कोरोना स्पेशल पार्ट टू। अगर शायरी अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों तक फैला दीजिएगा, और अगर खराब लगे तो भी सारे दोस्तों तक फैला दीजिएगा, क्योंकि हर शायरी अपने दिल से मैं बनाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते आज का पहला शायरी के साथ। कोरोना में सबसे ज्यादा टीचर है परेशान, ऑफलाइन छोड़ ही दो, ऑनलाइन में बच्चे नहीं देते हैं ध्यान। वियर मास्क एंड स्टे होम का बस लगता है नारा, कभी गांव में भी आके देखिए, लोगों में प्रॉब्लम है बहुत सारा। कोरोना में सबसे ज्यादा टीचर है परेशान, ऑफलाइन छोड़ ही दो, ऑनलाइन में भी बच्चे नहीं देते हैं ध्यान। वियर मास्क एंड स्टे होम का बस लगता है नारा, कभी गांव में भी आके देखिए, लोगों का प्रॉब्लम है बहुत सारा। तो आज का पहला शायरी में उन सभी सरकार तक ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं वियर मास्क पहनिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन उन गरीब टीचरों पे ध्यान नहीं देते हैं, गरीब असहाय मजदूर पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ बोलते हैं, ये नारा लगाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। सरकार तक अगर ये बात पहुंच रही है और अगर ऐसा बात पहुंचे तो उसको ध्यान देना चाहिए और गांव तक भ्रमण करना चाहिए, और यहाँ के विधायक और यहाँ के जो मंत्री लोग हैं उन लोगों को आकर के देखना चाहिए, प्रत्येक गाँव का भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कितनी पीड़ा कितनी भूख है। तो आइए बढ़ते हैं आज का दूसरा शायरी। कोरोना को जल्दी से हराना है तो लगवाएं वैक्सीन। कोरोना को जल्दी से हराना है तो लगवाएं वैक्सीन, छोटी मोटी अफवाहों से बचें, मत क्रिएट करें। आपके पास कोई चिराग नहीं है जिससे निकलेगा जीन, मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग हथियार है। तो कोरोना को जल्दी से हराना है तो लगवाएं वैक्सीन, छोटी मोटी अफवाहों से बचें, मत क्रिएट करें सी। आपके पास कोई चिराग नहीं है जिससे निकलेगा जीन, मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग हथियार है। तो ये शायरी उन सभी दोस्तों तक के डेडिकेट है जो मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो वो उसके लिए भी ये सलाह है कि वो ऐसा पालन करें, क्योंकि कोरोना को जल्दी से हराना है तो सारे हथियार को लेके चलना होगा, जल्दी से सारे हथियार को, हर एक चीज, और सबसे पहले वैक्सीन को जरूर लगवाएं, छोटी मोटी अफवाहें जो इधर उधर फैलाए जा रहा उससे बचें और इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, और इसके लिए सबसे पहले कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा शायरी। कोरोना से बचाने के लिए हम लाए हैं एक समाधान। कोरोना से बचाने के लिए हम लाए हैं एक समाधान, आप लोग भी सुने और सरकार भी दे दो थोड़ा सा ध्यान। लोग न करें अभिमान, बचाएं अपनी जान, जो नियम और कानून बने पालन करें और सबको पालन करने बोले, ये आप समझे अपनी। कोरोना से बचाने के लिए हम लाए हैं एक समाधान, आप लोग भी सुने और सरकार भी दे थोड़ा सा ध्यान। लोग न करें अभिमान, बचाएं अपनी जान, जो नियम और कानून बने पालन करें और करवाने को समझें अपनी शान। तो ये तीसरा शायरी भी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। हर कमेंट आपके लिए, जो कमेंट आप करते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, हम उससे मोटिवेट होकर के हम उससे लगातार पार्ट बाय पार्ट लेके आ रहे हैं। आइए बढ़ते आज का चौथा शायरी। कोरोना बन गया कोरोना टू गया, बट कोरोना थ्री भी आएगा। कोरोना बन गया, कोरोना टू भी गया, बट कोरोना थ्री भी आएगा। इतना तैयारी खुद ही कर लो ताकि मुश्किल खा कुछ कर पाएगा। भ्रम पर लगावे लगाम और शिक्षा में दे विस्तार, भ्रम पर लगावे लगाम और शिक्षा में दे विस्तार, एक दूसरे की मदद करें, फिर देखे दुनिया में होगा प्यार ही प्यार। कोरोना वन गया, कोरोना टू भी गया, और बट कोरोना थ्री भी आएगा। इतना तैयारी खुद ही कर लो कि मुश्किलें खा कुछ कर पाएगा। भ्रम पर लगाम और शिक्षा में करें विस्तार, एक दूसरे की मदद करें, फिर देखे दुनिया में बढ़ेगा प्यार ही प्यार। आइए बढ़ते आज का अंतिम शायरी। एक ऐसा समाज बनाए जिसमें सभी धर्मों का हो मेल, जो कोई गलत सलत बोले उसे भेज दो जेल। एक ऐसा समाज बनाए जिसे सभी धर्मों का हो मेल, जो कोई गलत सलत बोले तो उसको भेज दे उसको जेल। कोरोना को हराने के बाद बनाए उन्नत और शिक्षित समाज, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे तो खतरनाक इंडिया
बनेगा कल और आज। तो आज का सारा शायरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हर दिन की तरह आज भी मैंने जो शायरी का प्रयास किया उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार हमारे शायरी को देखते रहें, और साथ ही साथ मेरा जितना भी वीडियो मोटिवेशनल शायरी आया हुआ है वो सारे देख करके आप लोग अपने जीवन में मोटिवेट होकर के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो आज का शायरी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।